अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि मैं आपके साथ स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। ये क्रिस्टीन की वाइट ग्लो फेशियल किट है। जी हाँ, क्रिस्टीन कॉस्मेटिक्स जो कि हमारा पाकिस्तान का बहुत फेमस कॉस्मेटिक ब्रांड है और बहुत अच्छी इनकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं। इन्होंने रिसेंटली जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक ये वाइट ग्लो फेशियल किट है। और मैं बहुत एक्साइटेड थी इस वाइट ग्लो फेशियल किट को यूज़ करने के लिए और इसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने के लिए। सो फाइनली मैंने ये वाइट ग्लो क्रिस्टीन की फेशियल किट परचेज़ कर ली है। सो ये क्रिस्टीन की फेशियल किट कुछ इस तरह से दिखती है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। बहुत ही खूबसूरत इसकी ये पैकेजिंग है, इम्प्रेसिव पैकेजिंग है। और इसके यहाँ पे एक्सपायरी डेट मेंशन है और जिस तरह से इसके अंदर दी हुई प्रोडक्ट्स को आपको यूज़ करना है उसका सारा मेथड यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखा हुआ है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे मेथड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से यूज़ करना है और फिर आप इन प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकें। सो इस तरह से ही आपको फेशियल किट मिलेगी और इसकी बैक साइड पे डिटेल्ड यूज़ करने का मेथड लिखा हुआ है। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से ये इस तरह से जो फोम होता है, क्या बोलते हैं इसको, फोम की पैकेजिंग में इसको इन बॉटल्स को इस तरह से सेट किया हुआ है। ये सारी जो है वो ट्यूब फॉर्म में है, वाइट कलर की, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्प्रेसिव पैकेजिंग है। और पैकेजिंग जो है वो बहुत हाई क्वालिटी है। इसकी जो ट्यूब है बहुत स्मूथ है, कैप बहुत स्मूथ है, लाइक एवरीथिंग इज़ सो गुड। इसमें ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर टॉप पे लगे हुए, ये सिरम है और इसमें ब्लीच और डेवलपर है और लास्ट में जो है ये टोनर है और बाकी जो है ये ट्यूब्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप आपने यूज़ करना है। सो जिस तरह से इसकी पैकेजिंग पे यूज़ करने का मेथड है, मैं सेम इसी तरह से यूज़ करूँगी अपनी। कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगानी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में। जिस तरह से आपको पैकेज पे बताया गया है हर एक प्रोडक्ट का यूज़ करने का, मैं सेम उसी तरह से यूज़ करूँगी। ये ब्लीच प्रोडक्ट्स हैं, इसमें डेवलपर है और ब्लीच पाउडर है। और सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करनी है, फिर आपको ब्लीच अप्लाई करना है, फिर आपको स्क्रब करना है। ये इसका स्क्रब है। अच्छा, ये जो ट्यूब फॉर्म की बॉटल्स हैं ये ओवरऑल 50 ml की क्वांटिटी में ये सब चीज़ें हैं। स्क्रब के बाद इसके जो मेथड में लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था टोनर अप्लाई करना है। टोनर इसका कुछ इस तरह से दिखता है। टोनर के बाद आपने मसाज क्रीम अप्लाई करनी है। मसाज क्रीम आप देख सकते होंगे इसमें लिखा हुआ है कि मसाज क्रीम को आपको सीरम के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करके अपने फेस के ऊपर मसाज करना है। सो ये इसके क्यूट सी स्मॉल सी बॉटल में इसके सीरम है। आई थिंक ये गिलास बॉटल है। यस, ये गिलास बॉटल ही है। और इसको आपने ओपन करना है। 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसके मसाज क्रीम में ऐड करके अपने फेस के ऊपर 10 से 12 मिनट का मसाज करना है। और इसके बाद आपने ये क्ले मास्क अप्लाई कर लेना है। अच्छा, बीच में स्टीम का प्रोसेस भी है। बाकी जो इसका फुल डेमो है, एप्लीकेशन है और मज़ीद जो डिटेल हैं वो मैं आपके साथ अभी अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको अपने फेस पे, तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हर एक प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है। पैकेजिंग बहुत आउट क्लास है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है। लाइक प्राइस के हिसाब से और पैकेजिंग के हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट्स पसंद आई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी स्किन को एनालाइज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप अपने फेशियल करें या किसी और के फेशियल करें तो पहले अपनी स्किन को एक बार गौर से देख लें कि क्या फ्लॉज़ हैं आपकी स्किन में, आपकी स्किन की कंडीशन क्या है, और फिर उसके बाद आप अपने फेशियल की प्रिपरेशन करें। ब्लीच के लिए आपको एक ब्रश और एक बाउल लेना है, एक वेट स्पंज लेना है, जिस एक बाउल में आपने पानी रखना है ताकि आप जो भी अपना फेस क्लीन अप करें तो आप उस वेट स्पंज की हेल्प से कर सकें। यहाँ पर मैं रोज़ वाटर आपको दिखा रही हूँ कि रोज़ वाटर भी आप अपने साथ रखें कि बीच बीच में आपको जो फेस पे मसाज करते हुए प्रोडक्ट ड्राई हो रही होती है तो आप रोज़ वाटर की हेल्प से ऐड कर सकें। सो अब यहाँ पर मैं अपना फेशियल स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले जैसे इसके मेथड में मेंशन था कि क्लिनजिंग करनी है फेस की, तो क्लिनज़र मैंने इस तरह से अपने फेस पर अप्लाई किया है, हाथों को मैंने गीला किया है और इस तरह से मैं अपने फेस की क्लिनजिंग करूँगी। 2 से 3 मिनट में क्लिनजिंग करूँगी।
अच्छा, क्लिंजिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने अपने फेस के ऊपर स्टेप्स जो हैं वो अपवर्ड मोशन में रखना है ताकि फेस आपका लिफ्ट हो, और इस तरह से ये जो आपकी रिंग फिंगर होती है उससे आईज पे आपने मसाज करना है। नेक को नहीं भूलना, नेक को लाजमी आपने करना है क्लिंजिंग, ठीक है। सो यहाँ पे एक डैम्प स्पंज, वेट स्पंज की हेल्प से मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। मैं ब्लीच प्रिपेयर करूँगी। ब्लीच के लिए ये दो प्रोडक्ट्स इस किट में मौजूद हैं। सो ब्लीच प्रिपेयर करने का जो इस की पैकेजिंग पे मेथड लिखा है उसमें लिखा है ब्लीच में आपने सूदिंग लोशन ऐड करना है। सो क्रिस्टीन की इस किट में सूदिंग लोशन तो मौजूद नहीं था, तो मैं गोल्डन गर्ल का सूदिंग लोशन यूज़ करूँगी। अच्छा, ब्लीच में सबसे पहले इसमें मेंशन है कि आपने जितना डेवलपर लेना है, ये जो लिक्विड डेवलपर है उसका आधा आपने पाउडर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये एक मीडियम साइज़ का स्पून है और इसमें मैंने डेवलपर ऐड किया है और गोल्डन गर्ल का सूदिंग लोशन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, कोई भी आप न्यू ब्लीच क्रीम या ब्लीच प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपने बहुत एहतियात से प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट का इतना आइडिया नहीं होता। सो यहाँ पर मैं डरते डरते ये प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब ये जो ब्लीच पाउडर है वो स्पून में ले रही हूँ, और मैंने कोशिश की है कि जितना मैंने डेवलपर लिया है उसका हाफ मैं पाउडर लूँ। एज़ मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मैं कोशिश कर रही थी हाफ से भी मैं कम पाउडर लूँ, बिकॉज सेंसिटिव स्किन पे प्रोडक्ट्स का ज़्यादा रिएक्शन होता है बनिस्बत नॉर्मल स्किन के। सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो आपको ब्लीच पाउडर बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ब्लीच रेडी कर लिया और इसको मैंने स्किन के ऊपर टेस्ट किया तो मुझे थोड़ी सी ईचिंग हो रही थी, थोड़ी जलन मच रही थी, बर्निंग हो रही थी। सो सूदिंग लोशन मैंने ब्लीच में भी ऐड किया है और अब सूदिंग लोशन मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, और इसके बाद जो मैंने ब्लीच प्रिपेयर किया है वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। सो ब्लीच अप्लाई करते हुए सबसे पहले मैं उन एरियाज़ पे ब्लीच अप्लाई करूँगी जहाँ थोड़ी डिसकलरेशन है और जहाँ हेयर्स फेस के ऊपर ज़्यादा हैं। सो आप देख सकते होंगे हमारे मोस्टली अपर लिप्स और जॉ लाइन की तरफ जो है वो हेयर्स होते हैं, तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर ब्लीच अप्लाई कर लिया है ताकि ब्लीच अपना काम करना शुरू कर। सो फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फोरहेड पे, नोज़ पे, और सबसे जो मेरे फेस का सेंसिटिव एरिया है वो है चीक्स। बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ब्लीच मेरे चीक्स को रेड कर देता है, रिएक्शन कर देता है। सो मैं बहुत ही थिन लेयर अप्लाई करूँगी और बस 2 मिनट बाद ही मैं चीक्स के ऊपर से ब्लीच को रिमूव कर लूँगी, 1 से 2 मिनट बाद। ये ख्याल रखना है कि जब भी आप ब्लीच अप्लाई करें और ब्लीच आपके फेस के ऊपर बर्निंग सेंसेशन दे, आपकी स्किन को जलता हुआ महसूस करे, आपने फौरन वहाँ से ब्लीच को रिमूव कर देना है। सो आफ्टर 4 मिनट्स मैंने अपने फोरहेड पे से, नोज़ पे, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ब्लीच ने अपना काम कर दिया है वहाँ से मैंने ब्लीच को फौरन रिमूव कर दिया है। मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं ब्लीच को बहुत एहतियात से 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए ब्लीच अप्लाई करती हूँ। सो जहाँ पर मैंने लगे रहने दिया था वहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे रहने दिया ताकि जहाँ हेयर्स हैं वो हेयर्स पे ब्लीच अपना काम कर दे, और लास्ट में मैंने हेयर्स एरिया से ब्लीच को रिमूव कर लिया। फेस वॉश किया मैंने और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रब अप्लाई कर रही हूँ। जिस तरह से फेशियल किट के ऊपर प्रोसीजर मौजूद था स्क्रब अप्लाई करने का कि आपने स्क्रब को जो है वो पहले अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है और 5 मिनट के लिए लगा रहने देना है और फिर आपने फेस का मसाज करना है। मसाज करने के फौरन बाद आपने इसी तरह स्क्रब को अपने फेस पे लगा रहने देना है और आपने स्टीम ले लेनी है। 2 से 3 मिनट आपने अपने फेस को स्टीम देना है, फिर उसके बाद आपने हॉट डैम्प स्पंज से अपने फेस के ऊपर से स्क्रब को रिमूव कर लेना है और फिर आपने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करने हैं इस तरह से स्टिक की हेल्प से। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करने का प्रोसेस मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ, बिकॉज फेशियल जो है वो पूरा स्किन को क्लीनिंग एंड क्लिनजिंग का एक प्रॉपर मेथड होता है। सो अगर आप वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को स्किन के ऊपर रहने देंगे, स्किन के ऊपर से रिमूव नहीं करेंगे, तो आपके स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आपके स्किन पे अगर एक्नी होती है, ब्रेकआउट्स होते हैं,
आपके स्किन के ऊपर यू नो ड्राइनेस होती है, मेकअप अप्लाई करने से ड्राई पैचेस होते हैं, तो मतलब ये सारे इशू आपके रिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। सो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आप अपने स्किन के ऊपर से रिमूव करें, और स्टीम इसके लिए लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी स्टीम लेने से जो है वो आपके पोर्स स्किन के ओपन हो जाते हैं। सो स्टीम लेने के बाद फेस को मैंने क्लीन किया है, टोनर अप्लाई किया है। टोनर अप्लाई करने के बाद फेशियल किट के प्रोसीजर में मेंशन था कि आपने मसाज करना है, मसाज क्रीम में आपने ऐड करने हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सीरम, वो मैंने ऐड किए हैं, मिक्स किए हैं अपने हैंड पे लेकर, और अब इस तरह से मैं बहुत सॉफ्ट हैंड से आसानी से लाइक आराम आराम से जो है मैं अपने फेस का मसाज करूँगी। मसाजिंग स्टेप बहुत सिंपल है, फोरहेड के ऊपर आपने लिफ्टिंग मोशन में आपने इस तरह से मसाज करना है, आई एरिया पे आपने रिंग फिंगर से मसाज करना है, और बाकी चीक्स और जॉ लाइन जो है उसके ऊपर आपने लिफ्टिंग मोशन में लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है। इस किट में मौजूद सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, सब प्रोडक्ट्स की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, स्पेशली इनके क्लेंज़र की और स्क्रब की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, और टोनर की जो फ्रेग्रेंस है वो इस तरह से लगती है जैसे कोई परफ्यूम हो। सो 10 से 12 मिनट के लिए आपने मसाज करना है, 10 से 12 मिनट में जो है वो मसाज क्रीम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी और इस तरह से दिखेगी जिस तरह से मेरे फेस के ऊपर दिख रही है। बहुत ही स्मूथली और आराम से पीसफुल तरीके से आपने मसाज करना है। मसाज का बेसिकली पर्पस ही यही होता है कि आपकी स्किन को रिलैक्सेशन दे, आपकी स्किन को रिलैक्स करे। सो इस तरह से मसाज के स्टेप्स आप कंप्लीट करेंगे। मसाज करने के बाद आपने अप्लाई करना है मास्क। मास्क अप्लाई करने के लिए आप इस तरह का स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने सिंपली फिंगर की हेल्प से भी मास्क को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से ये क्ले मास्क है, एक थिन लेयर आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेनी है और इसको 10 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर लगा रहने देना है। जैसे ही ये मास्क ड्राई होगा आपने अपने फेस को क्लीन कर लेना है। आप वेट स्पंज की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हैं और आप सिंपल टैप वाटर से भी अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। सो इस तरह से ये मास्क को आपने अपने फेस पे लगा रहने देना है, फिर आप 10 से 12 मिनट बाद आपने मास्क को अपने फेस के ऊपर से क्लीन कर लेना है। मास्क को वॉश करने के बाद आपने टोनर अप्लाई करना है। टोनर आपने 5 से 10 मिनट अपने फेस पे लगा रहने देना है और फिर नॉर्मल टैप वाटर से आपने अपने फेस को लास्ट में वॉश कर लेना है। सो यहाँ पर इन सारी प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वाइट ग्लो इस फेशियल किट का नाम है, तो वाकई में फेशियल करने के बाद स्किन के ऊपर वाइट ग्लो आता है। स्पेशली मुझे इनका क्लेंज़र बहुत पसंद आया। डेवलपर एंड ब्लीच पाउडर भी बहुत अच्छा है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले जो है वो बहुत एहतियात से ब्लीच पाउडर ऐड करें, बहुत कम क्वांटिटी में ब्लीच पाउडर ऐड करें। सो ओवरऑल सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, ये फेशियल किट बहुत अच्छी है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी। ये फेशियल किट बेसिकली ऑल स्किन टाइप है, तो आपकी कोई सी भी स्किन टाइप हो आप इस फेशियल किट को यूज़ कर सकते हैं।